हमने कद्दू की ज़मीन तैयार करने से लेके तो उसमें कैसे अलौकी खाद डालते हैं, कैसे गोसंजीव खाद डालते हैं, साथ में उसको कैसे बीज की रोपाई होती है बाद में, फिर उसमें क्या इंटरऑपरेशन करते हैं, यहाँ तक के सारे हमने उसके प्रोसेस देखे थे। अब ये हार्वेस्टिंग टाइम को आ गया है। अभी आपको दिख रहे हैं सब ये कद्दू, जगह जगह ये कद्दू ऐसे लगातार एक इनकी लाइनें लगी हुई है, इसमें का मेच्योर माल निकाल ले रहे हैं हम। तो ये प्रति एकड़ 12 टन से ऊपर इसकी उपज हमें प्राप्त हो रही है। अब 12 टन ये उपज हमें समाधान है इसमें, क्योंकि इसमें लागत हमारी बहुत कम से कम है। लागत प्रति एकड़ 20 से 22 हज़ार की पूरी लागत है टोटल, अलौकी खाद की सब मिला के उसको अगर काउंट किया जाए तो। अब 20 से 22 हज़ार की लागत में प्रकृति हमें इतना दे रही है, लेकिन जो 20 से 22 हज़ार खर्चा किए हैं वो प्रकृति के विकास के लिए खर्चा किए हैं, मजदूरों के विकास के लिए खर्चा किए हैं। ना तो मिट्टी को ख़त्म कर रहे हैं, ना मजदूरों की मजदूरी को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का वीडिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ किसी भी प्रकार का जहर का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह से ये पूरा बिना कोई विनाशक खर्च के जो खर्च हुआ वो रचनात्मक कामों में हुआ। उसका पैसा मजदूरों को मिला, ज़मीन को गोबर खाद दिया, हमने पशुपालन किया तो वो गोबर खाद से इसकी फर्टिलिटी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग आज इसका पूरे प्लॉट का पिक्चर देख रहे हैं जो हार्वेस्टिंग को आ चुका है। और इसका हार्वेस्टिंग अब आप देखोगे कि इसको हम कैसे ट्रैक्टर में लदान कर रहे हैं, कितना माल इसमें से निकल के कैसा स्टोर हो चुका है वो आगे देखेंगे।